नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समस्तीपुर, देश का राजनीतिक परिदृश्य और अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति विषयक एक विमर्श का आयोजन बृहस्पतिवार को शहर के मथुरापुर स्थित मौलाना मधरुल्लाह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इंसाफ मंच एवं भाकपा माले के संयुक्त बैनर तले किया गया। विमर्श को बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा विरोध की आवाज को ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर दबा रही है। सच बोलने लिखने वाले को परेशान किया जा रहा है, इंसाफ मांगने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा है। सरकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाकर नफरत, दमन, दहशत और झूठा फैसला कर रही है। चाहे कोई भी मजहब हो, हमें पीस के साथ होना चाहिए। नागरिकता कानून लाकर मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहिए। सवाल अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का हो तो सुधार किया जाना चाहिए। सवाल करने वाले पर कार्रवाई नहीं। मानवाधिकार, सच, बराबरी के लिए लड़ने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में हमें एकता बनाकर साझी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसे हमें किसानों की लड़ाई से सीखना चाहिए। भारत की आजादी की लड़ाई साझी लड़ाई थी, आज ही साझी लड़ाई लड़ने का समय है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है, लेकिन अमृत के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। देश के नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष की है, हमें उनके संघर्ष के साथ होना चाहिए। देश बचाने को लेकर भाजपा आरएसएस के कटराने की ताकत चाहिए और इसके लिए विपक्षी एकता जरूरी है। देश में महिलाओं पर दमन के खिलाफ पूरी लड़ाई की जरूरत है। एनआईए की धरपकड़ जुर्म के खिलाफ इंसाफ मंच बना था, इसे मजबूत बनाए। उन्होंने कहा 2024 में सरकार से छुटकारा पाने के लिए हमें चौतरफा कमर कसकर उतरना चाहिए। समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विधान विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद कुमार ने विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप मानव जीवन के महत्व को नहीं समझोगे तो मानव जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। देश की आजादी में हिंदू ईसाई ने एकता बनाकर लड़ा था। देश की एक धर्म की नहीं है, धर्म के नाम पर कत्ले आम बर्दाश्त से बाहर है। वर्तमान सरकार की करतूत अंग्रेजी है, धर्म के नाम पर रोटी नहीं मिल सकता, इसके लिए रोजगार जरूरी है। और रोजगार का वादा कर रोजगार से भाग रही भाजपा सरकार के खिलाफ देश के युवा लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हर तबके को जोड़ने की जरूरत है। माले फोर्टीन ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने वक्ताओं द्वारा समस्तीपुर को आरएसएस का प्रयोग भूमि बनाए जाने के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इसके खिलाफ एकताबद्ध संघर्ष वक्त की मांग है। मैं अपने बच्चों को दंगाई नहीं, शिक्षा और रोजगार देकर बेहतर नागरिक बनाना चाहिए। विमर्श को मोहम्मद फरमान, खालिद अनवर, रसदा तबस्सुम समेत नागरिक समाज के कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए फांसीवादी मोदी शाह सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने भाषा, खाना, पहनावा के आधार पर हमला किए जाने की बात कही। विमर्श के मंच पर माने जिला कमेटी सदस्य फूल बाबू सिंह, राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह, जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार आदि उपस्थित थे। विमर्श की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आफ्ताब आनंद एवं भाकपा माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार ने किया। संचालन इंसाफ मंच के डॉक्टर खुर्शीद खैर ने किया। मौके पर नागरिक समाज, छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिला संगठन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। विखंडित करने का एक चौतरफा कोशिश सत्ता की ओर से हो, नफरत और विभाजन की जो राजनीति है, घृणा का माहौल जो है, वो
उसको सब जगह फैलाया जा रहा है। तो उस स्थिति में अभी जो कुछ हो रहा है पूरे देश में प्रतिवाद हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है।